हेलो एवरीवन, मैं हूं शिल्पी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोलफुल लाइफ में। तो आज हम लोग जा रहे हैं रूबी फॉल्स, जो कि चैटानूगा टेनेसी में है। तो चलिए मिलते हैं वहां पहुंच कर। प्रिशा से हाय, वेयर आर यू गोइंग प्रिशा? तो जी, रूबी फॉल्स बेसिकली एक अंडरग्राउंड केव में है। रूबी फॉल्स की खोज लियो लैम्बर्ट ने की थी। इस वाटरफॉल का नाम उन्होंने अपनी वाइफ रूबी के नाम पर रख दिया था, इसीलिए इसको रूबी फॉल्स बोला जाता है। और केव के अंदर आपको अलग अलग तरीके की रॉक फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं और लाइटिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रीटी लगती हैं। और केव के अंदर आपको एक गाइडेड टूर दिया जाता है, जिसमें आपको एक गाइड प्रोवाइड कर दिया जाता है जो आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी हम वहाँ पहुँच गए हैं और हमें टिकट मिली है 4:30 की, और हमारा टर्न आने में काफ़ी टाइम था, तो हमने सोचा गिफ्ट शॉप ही एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी वैरायटीज़ में यहाँ स्टोन्स, डेकोरेशन आइटम्स अवेलेबल हैं, और आप यहाँ से सोवेनियर भी परचेज़ कर सकते हैं। आपको एक रॉक कैंडी माउंटेन भी देखने को मिलेगा, जो किड्स को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और पाविका और प्रिशा दोनों ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे उस टाइम। आपको यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी लिटिल डिशेस भी देखने को मिलेंगी, जो कि हैंडमेड है और मेड इन यूएसए है, और दे वर लुकिंग वेरी प्रिटी, जैसा कि आप देख सकते हैं। मैंने क्लोजअप लिया था उन डिशेस का, और ये स्टोन्स का कुछ पार्ट है जिसे उन्होंने कुछ फॉर्मेशन बनाई हुई है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट इट वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी। मैंने एक क्लोजअप क्लिप बनाई थी इसकी, आप देख सकते हैं कितना शाइन कर रही है। तो यहाँ पाविका और प्रिशा एंजॉय कर रहे हैं मैग्नेट स्टोन्स के साथ। यहाँ एंट्रेंस है केवंस टूर्स के लिए, और अंदर से बाहर देखने पर व्यू ये दिखता है आपको। सामने रेस्टोरेंट है। तो अभी हम पहुंच गए हैं 420 फीट नीचे बिलो द सरफेस, और हमें यहाँ एलिवेटर के थ्रू पहुंचाया गया था, और यहाँ आप फॉर्मेशंस देख सकते हैं जो कि शुरू हो गई हैं। All right, folks. So first of all, welcome to Ruby Falls. My name is Jake. I'm your tour guide. Yay! Yeah, I know. I'm Jake from State Farm. I'm so amazing, right? Pavika, pick up my daddy gets up. Some folks might call it wise to turn back in favor of sunlight and certainty. Take the easy path. Miss the detour that just might lead to something far more extraordinary. Sometimes, some people, not me. When my Ruby moved away to Tennessee. Formations, आप देख सकते हैं यहाँ पर। This one is the first formation.
लाइक बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई थी। स्पेस आप देख सकते हैं कितना है यहाँ पर। नेक्स्ट फॉर्मेशन इज दिस, सो दिस इज क्रिस्टल शैंडेलियर फॉर्मेशन। इसका जो शेप है वो शैंडेलियर से मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम क्रिस्टल शैंडेलियर रख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अब हमने एंट्री कर ली है केव के अंदर, और स्पेस आप देख सकते हैं, दिस इज वेरी कंजेस्टेड। और एक बार में केवल दो ग्रुप्स ही अलाउड थे जब हम लोग गए थे वहाँ पे, बिकॉज ऑफ लाइट्स, इट वॉज लुकिंग वेरी प्रीटी। हाइट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा नहीं है। से बहुत ही अच्छी लग रही थी देखने में। आगे बढ़ने पर आपको नेक्स्ट फॉर्मेशन दिखाई देगी, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये हॉलवे है। नेक्स्ट फॉर्मेशन है लीडिंग टावर, और फॉर्मेशन का टाइप है कॉलम फॉर्मेशन इज दिस। It was looking some kind of scary. और ये जो आप देख रहे हैं ये है ड्रैगन फुट फॉर्मेशन। इसका शेप बिल्कुल ड्रैगन के फुट की तरह लग रहा था, इसलिए इसको नाम दे दिया ड्रैगन फुट। ज़्यादा कंजेस्टेड था, स्पेस बहुत ही कम था। यहाँ स्टेयर से आप नीचे उतर के नेक्स्ट फॉर्मेशन की तरफ जाएंगे। ये फॉर्मेशन नाइग्रा फॉल्स की तरह दिख रही थी। और ये हॉर्स शू फॉल की तरह दिख रहा था कुछ कुछ शेप में। यहाँ आप देख सकते हैं स्पेस कितना कम है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केव्स। टेम्परेचर यहाँ थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो उनके लिए लाइट जैकेट या स्वेट शर्ट जरूर लेकर के आए। To let you all know a couple things about the waterfall before we worry about that. So with the waterfall in mind, Ruby Falls is a 90-foot waterfall named after Leo Lambert's wife Ruby. Don't forget to subscribe this channel, Soulful Life. Till then, bye.
Trisha, say bye. Bye.